नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारत के चांद मिशन को शनिवार सुबह उस समय जोर का धक्का लगा जब लैंडर यानी विक्रम से चंद्रमा के सतह से कुल 2 किलोमीटर पहले इसरो का संपर्क टूट गया। और खबर ये है कि 978 करोड़ रुपए लागत वाले चंद्रयान 2 मिशन कामयाब होने से रह गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के सिविन ने संपर्क टूटने की खबर करते हुए कहा कि चंद्रमा की सतह से मात्र 2 किलोमीटर पहले तक लैंडर प्लान के हिसाब से चल रहा था और शनिवार सुबह करीब 1:30 बजे तक सब कुछ ठीक था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक आधिकारिक बयान में कहा, विक्रम लैंडर प्लान के हिसाब से उतर रहा था, उसके बाद लैंडर का संपर्क जमीन पर स्थित केंद्र से टूट गया। अब पता लगाया जा रहा है कि कमी कहां रही है। इसरो के ट्रेनिंग एंड कमांड नेटवर्क केंद्र के स्क्रीन पर देखा गया कि विक्रम यानी लैंडर अपने ट्रैक से थोड़ा हट गया और उसके बाद संपर्क टूट गया। तो कुल जमा मिलाकर कहा जा सकता है कि चंद्रयान जो पता लगाने गया था कि चंदा मामा की आंखों में पानी है या नहीं है, ताकि भविष्य में जाकर वहां पर रहा जा सके, पर अब संपर्क टूट जाने के बाद दुर्भाग्यवश ये सपना फिर से सपना ही बनकर रह गया। अब आपको बता दें कि अगर सब कुछ ठीक रहता तो अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद चांद पर सफलता से पहुंचने वाला भारत 4th देश बन जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।